नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं भवानी शंकर वैदिक। 5 जुलाई को साल का तीसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। इस दिन गुरु पूर्णिमा भी है। आइए जानते हैं कि यह ग्रहण कैसा होगा। असल में 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण उप छाया चंद्र ग्रहण होगा। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा, तो इसका जवाब है यह चंद्र ग्रहण आपको भारत में दिखाई नहीं देगा। चलिए जानते हैं साल 2020 में लगने वाले ग्रहण के बारे में, और यह भी कि यह आपकी सेहत पर वाकई प्रभाव डालता है या नहीं, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखना विशेषकर प्रभावी है। क्या किसी भी तरह के चंद्र ग्रहण का आपकी सेहत पर असर होता है? ग्रहण के दौरान खाने से जुड़ी सावधानियों को लेकर कैसी मान्यताएं हैं, और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे को वाकई क्या असर होता है? माना जाता है कि ग्रहण लगने से पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल लगने के बाद से कुछ भी खाना नहीं चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण पोषक तत्वों को प्रभावित करता है। इस दौरान खाना पकाने से भी मनाही होती है। कुछ लोग पूरे ग्रहण के दौरान व्रत रखते हैं, कुछ लोग खाते पीते भी नहीं हैं। बीमार लोगों को इस दौरान पूरी तरह से उपवास नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सात्विक भोजन लेने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि पानी में 8 से 10 तुलसी के पत्ते डालकर इसे उबालकर इसे पीना चाहिए। 5 जुलाई को यानी रविवार को लगने वाला चंद्र ग्रहण असल में लॉन्स एजेंस में 4 जुलाई को रात 8:05 से 10:52 तक रहेगा। अनुमान है कि यह तकरीबन 2.5 घंटे तक रहेगा। वहीं केप टाउन में यह 5 जुलाई को देखा जाएगा। वहां के समय अनुसार सुबह 5 बजे तक रहेगा। यह ग्रहण यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में दिखाई देगा। इस ग्रहण का कुल समय तकरीबन 2.5 घंटे कहा जा रहा है। अब जानते हैं साल 2020 में कब कब लगेंगे ग्रहण। 5 जुलाई को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बाद अगला चंद्र ग्रहण ठीक 5 महीने 25 दिन बाद यानी 30 नवंबर को लगेगा। अब जानते हैं चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल। तो क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। आइए अब जानते हैं असल में उप छाया ग्रहण कहते किसको है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, और इस भौगोलिक स्थिति में ये तीनों एक सिद्ध में नहीं होते हैं। इस दौरान पृथ्वी के बीच के हिस्से में पड़ने वाली छाया को अम्ब्र कहा जाता है, तो वहीं चांद के बाकी हिस्से में पृथ्वी के बाहरी हिस्से पर छाया पड़ती है, जिससे पिनम्ब्र यानी उप छाया चंद्र ग्रहण का निर्माण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।